Hello dear student, welcome to my YouTube channel Study Cafe. I am Neha. Today I will explain summary and stranger the ball poem poetry section from First Flight book written by John Barrman. Stranger number one. What is the boy now? Who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street. एंड देन मेयरली ओवर देयर इट इज़ इन दॉटर नो यूज़ टू से ओ देअर आर अदर वॉल्स अब बच्चे को क्या हो गया है उसकी अपनी एक बॉल खो गई है अब वह क्या कर सकेगा तो पोइट कहता है कि मैंने उस बॉल को उछलते हुए गली के नीचे फिर ऊपर उछलते हुए फिर वहाँ पर पानी में गिर पड़ी यह कहना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि और भी और भी बॉल्स खरीदी जा सकती हैं लेकिन बॉल किक हो जाने से लड़के को बहुत ही दुख है स्टेंजा सेकंड एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फेक्स द बॉय एज ही स्टैंड रेग्ड ट्रंबलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट I would not intrude on him. अ डिम अनादर बॉल हिज वर्थलेस बॉल के गायब हो जाने से वह बहुत ही सैड है और वो काप भी रहा है अपने पुराने दिनों की यादों को घूरता है जब वह अपनी गेंद से खेलता था अपनी बॉल से खेलता था और उसे गेंद खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगा और एक दस सेंट का सिक्का तो मामूली ही है अब वह इस भौतिक संसार की प्राप्त वस्तुओं में अपना प्रथम उत्तरदायित्व तो समझता है स्टीजा थ्री ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं कि छोटा छोटा बच्चा जो है छोटा जो लड़का है वो अपनी बॉल तो जरूर खरीदेंगे और गेंद बॉल के खो जाना भी सदैव होता ही रहता है और कोई भी गेंद वापस नहीं खरीदता धन तो एक भारी वस्तु है स्टेंजा फोर ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट Every man must one day know, and most know many days how to stand up. बहुत ही निराश है और उसकी आंखों के पीछे पता चलता है कि वो कितना दुखी है वह जानता है कि यह किस प्रकार का उसका लॉस्ट है और किस प्रकार साथ दिया जा सकता है यह जानकर कि प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य समझ जाएगा और बहुत से तो आने वाले दिनों में समझ जाएंगे कि इसे किस प्रकार सहयोग दिया जाए समरी ऑफ द पोयम A boy is playing with his ball. It is bouncing in the street up and down. एक लड़का जो अपनी बॉल से खेल रहा है और अपनी बॉल को उछाल रहा है ऊपर नीचे द बॉय इज है इंजॉय द गेम बच्चा बहुत ही इंजॉय कर रहा है वाइल्ड बाउंसिंग इट फॉल इन टू वाटर एंड इट लॉस्ट और यहाँ तक कि फॉल होते हुए नीचे गिरते हुए बॉल वाटर में जाकर कहीं खो गई है पानी में गिर के कहीं खो गई है विदाउट द बॉल द बॉय बिकम्स फुल ऑफ ग्रीफ बॉल के खो जाने से बच्चा बहुत ही दुखी है द बॉयट सेज दैट देयर आर अदर बॉल्स पॉइंट कहते हैं कि हम उसे कोई और बॉल दिला देंगे दे कैन परचेज अनदर सिंस इट इज़ नॉट अ ग्रेट लॉस्ट अरे उसने इतना भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं खोया है उसे हम नई परचेज करा देंगे नई बॉल खरीद देंगे देयर इज़ नो नीड टू वरी ये तो कोई वरी कोई चिंता की बात ही नहीं है सिंस द बॉय हैज हिज दिस बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम मगर जो वो बच्चा है वो उस बॉल से काफ़ी दिनों के से खेल रहा है सो ही इज डीपली डू टू इट अटैचमेंट विद इट मगर उस लड़के का उस बॉल के साथ बहुत ही अटैचमेंट हो गया है इट इज़ लिंक टू हिज मेमोरीज यहाँ तक कि उसकी काफ़ी यादें हैं जो उस बॉल से जुड़ी हुई हैं द पॉइट थिंग्स डेट इट इज़ नो यूज नो यूज टू परचेज अनदर बॉल ही मस्ट फेल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉस इस तरह लड़का नुकसान की प्रकृति को समझ रहा है और अपनी गेंद खोई है जो उसने वह यह अनुभव करना चाहता है कि कुछ चीज़ खोने का क्या अर्थ होता है क्या मीनिंग होती है इस तरह वो लड़का फील करता है कि किस तरह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बॉल और उसने खो दी है